जनवरी 22 रे रामलालंक पई अयोध्या रे निर्माण होइथिबा भव्य मंदिर रो हेबो प्रतिष्ठा दिन जेते पाखी आसुछि राम भक्तंक मध्यरे सेते उत्साह देखा देउछि एई भव्य मंदिर प्रतिष्ठा पई 8000 रु अधिक मान्यगण्य व्यक्तिंकु निमंत्रित करा जायछि। जनवरी 22 तारीख रे मंदिर प्रतिष्ठा हेबाकु दिन धार्य होइथिबा बेले 26 तारीख रु रामलालंक दर्शन करिवे श्रद्धालु। अयोध्या निर्माण होउथिबा रामलालंक भव्य मंदिर मुख्यतः गोलापी बालुका पत्थर एवं राजस्थान रो मिर्चापुर एवं बंसी पहरपुर रो खोदित मार्बल रे निर्माण होउछि। यहा व्यतीत 17000 ग्रानाइट पत्थर प्रत्येक रो ओजन 2 टन एथिरे व्यवहृत होइछि। ट्रस्टी मानंक कहिबा अनुसार मंदिर रे अति कम रे 1000 वर्ष पर्यंत कोनोसी मरामती आवश्यक होइबो नाही एवं एपरिक 6.5 तीव्रतार शक्तिशाली भूकंप यार मूलद्वा को हलाई पारिबो नाही। जेहेतु आम नेपाल बहुत पाखे अच्छे नियरेस्ट एरिया अच्छे ओनली 300 किलोमीटर आप अयोध्या नेपाल तो से गोटे आर्थिक प्रोन जोन होने जोन 4 कैटेगरी मंदिर को तैयारी कराई विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी नेशनल इंस्टीट्यूट अफ सेस्मोलोजी सागर टाइप करके एडवाइस हिसाब से IIT मद्रास IIT दिल्ली IIT खड़गपुर सागर कोलाबोरेशन हो फाउंडेशन से स्ट्रंग कराई कौन प्रकार अर्थक्विक कौन डैमेज होती आईरन ये कौन प्रकार व्यवहार कराएगा कम्प्लीटली स्टोन तो मैंने आपण टेक्नोलोजी आम आजिका डेट्र टेक्नोलोजी यूज करूँ जो आम परंपरा था पथर मंदिर से हिसाब से आम सैंड स्टोन मंदिर कम्प्लीटली जोटि कि कौन प्रकार आईरन और कंक्रीट यूज हो मुख्य मंदिर सागर आहरी फेज 2 रे अच्छी 6टा मंदिर अलरेडी अच्छी प्लस अलरेडी गोटे एक्जिस्टिंग आम शिव मंदिर अच्छी गोटे छोट पहाड़ अच्छी पहाड़ उपर शिव मंदिर अच्छी तार भी डेवलपमेंट तार रिनोवेशन अलरेडी फाइनाल स्टेज अच्छे यही मंदिर सागर से मंदिर भी इनोग्रेसन जेहेतु गोटे कम्प्लीटली स्टोन तैयारी तो यार लाइफ कम से कम 1000 इयर्स पर्यंत आपको कौन प्रकार रिपेयर आवश्यकता पड़े ना आउ मेंटेनेंस तो आज्ञा चली नॉर्मल जिनस किसी भी तैयारी करती तरह मेंटेनेंस करा पड़े अनेक पिलर है फॉर सम सिक्योरिटी रीजन आई कैन डिस्क्लोज द नंबर ऑफ पिलर तो निहाती भाव में पिलर है पिलर उपर बीम अच्छी बीम उपर जो सिलिंग पड़ी तापर मंदिर तीन फ्लोर तैयारी होन प्रकार पथर यूज होता कम्प्लीटली मंदिर मेन स्ट्रक्चर जोटा तैयारी जोटा आप सैंड स्टोन जोटा बंसी पहाड़पुर स्टोन कह राजस्थान अणाई कराई देन मंदिर फाउंडेशन जोटा हो ग्रानाइट स्टोन रही एवं मंदिर गर्भगृह अन्यान्य फ्लोरिंग वगैरह जो होती आप मकराना मार्बल रही है यार विशेषत्व आप जानते हैं ऑल इंडिया सबसे बेस्ट क्वालिटी मार्बल अगर किसी अच्छी तो मकराना मार्बल 2 वर्ष पखापाखि लगे आउ किछि किछि काम बाकी अछि जटा कि सुरखुर रे चली छि आउ इनॉग्रेशन पूर्व रु आमे एनीहाउ कंप्लीट करके देबु आउ यहाँ एटी कम से कम आपण 300 इंजीनियर्स एलएनटी तरफ रु अन्यान्य टाटा तरफ रु अन्यान्य एजेंसी तरफ रु 300 to 350 इंजीनियर्स अछन्ति आउ 3000 वर्कर्स अछन्ति एवं किछि आमर जो मूर्तिकार स्पेशली अच्छा से मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 मूर्तिकार पर्टिकुलर केवल मूर्ति कम करते सब बड़ा अवदान ओडिशार अच्छी कहले अत्युक्ति होना कहीं आपण पथर में जिते जीवन देवार कथा आते से कलाकार खोजा जाए आते मूर्ति आप मंदिर में पिलर में जिते मूर्ति आप आसवे देखिए आपण ठाकुर हो कि हनुमान हो नर्तकी होते मूर्ति आप देखिए सब ओडिशार कारीगर ही करते बहुत बड़ प्रिमाइसेस अच्छी किसी प्रॉब्लम हमें कहीं ऑलरेडी मंदिर चारिपटे परकोटा अच्छी तो 50,000 लोक आराम से एट ए टाइम कंपाउंड भितर पशिपारे कि मंदिर भितर को पार्ट बाय पार्ट आम सिक्यूरीटी हिसाब से आगे जहाँ फाइनाल करेंगे गवर्नमेंट से हिसाब से कराव केवल गोटे दिन सूर्य पोजिशनिंग को लेकिन गोटे टेक्नोलोजी यूज होती जो थी कि रामनवमी दिन प्रथम सूर्य किरण डायरेक्टली राम सूर्य तिलक करने टेक्नोलोजी यूज हो आया निहाती सत कथा आपण आगामी रामनवमी निश्चित भाव में देखिए मार्बल जो यूज होती गर्भगृह से मकराना मार्बल इंडिया द बेस्ट क्वालिटी मार्बल भितर नंबर 1 से मार्बल क्वालिटी आसे तो से तार खासियत होती आप जिते घसी हे कि जिते यूज हे से रिफ्लेक्ट कर
ସେତେ ଚମକ ବାହାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଟୋଟାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ବାଲି ଥିଲା, ତ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ରହିଲେ ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପ୍ରପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଓବିଅସ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ହଜାର ବର୍ଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃପା କୌଣସି ଦୟା ଆମ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।